नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पतालकोट क्षेत्र में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए 2015 में छिंदवाड़ा टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल गठन कर लगातार पतालकोट के रातेड़ बेस कैंप में पतालकोट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 5 दिवसीय पतालकोट एडवेंचर महोत्सव 25 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसका समापन आज प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर पिसेन ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष उर्मिला भारती, क्षेत्रीय विधायक नथन शाह कवरेती, छिंदवाड़ा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैराम रघुवंशी, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, कलेक्टर जेके जैन और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी सहित बड़ी संख्या में पर्यटक और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज युवा रोजगार संवाद कार्यक्रम का आयोजन सतपुड़ा लॉ कॉलेज में किया। इस दौरान भारी संख्या में युवा शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाए और हमारे युवाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं नौकरी देने वाले बनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2 हितग्राहियों को ऑटो की चाबी नगर निगम महापौर कांता सदरंग, अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने सौंपी। युवा रोजगार संवाद में आज प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा उपाध्यक्ष विजय पांडे, सत्येंद्र तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी अरुण चंदेल, सोनू सरस्वार, महामंत्री सौरभ शिवहारे, योगेंद्र नारा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विक्रम सिकरवार सहित युवा शामिल हुए। स्वच्छता अभियान और स्वच्छ सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा को नंबर 1 का तमगा दिलाने के लिए निगम अमला बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस मेहनत में पलीता लगाते दिख रही है स्वच्छता रैंकिंग नापने वाली मशीनें, जो शहर के कई सुलभ शौचालयों में लगी हुई है। इन मशीनों में सिर्फ हरे रंग की बटन ही काम करती है, बाकी की खराब है। मतलब अगर आप रैंकिंग में शौचालय की साफ सफाई से ना खुश हैं तो ये मशीन काम नहीं करेगी। ये मशीन सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही देती है। यूं तो सरकार देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करती है, लेकिन आज भी चौरी विधानसभा क्षेत्र में एक ही MBBS डॉक्टर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले की चौरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही डॉक्टर है जो MBBS है। चौंका देने वाली बात यह है कि एक डॉक्टर पर लगभग 1,50,000 नागरिकों की जिम्मेदारी है। वैसे मूलतः इनका पद चौरई BMO का है, लेकिन हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है। वह इस मामले में कलेक्टर ने भी स्वीकार किया है कि जिले में डॉक्टरों की कमी है। मेरे ब्लॉक में 190 गांव है टोटल, और मेरे ख्याल से हर गांव में एक दो डॉक्टर तो है ही। अच्छा, सब जगह है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एकदम दौरा तो नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसलिए अभी तक कोई जाँच नहीं कर पाया हूँ। इस संबंध में मैं CMO साहब को अवगत करा दिया हूँ कि जिले से टीम बनाकर जांच के लिए यहाँ भेजे और जांच करा दें। अभी तो SDM साहब को तो मैं अभी लिखा हूँ, करीब करीब 15-20 दिन पहले कलेक्टर साहब का लेटर आया था छिंदवाड़ा से, उसका संदर्भ में मैं लेटर बना के दे दिया हूँ। बस मेरे अंदर में 5 PHC है, 5 PHC है, वर्तमान में कहीं भी चिकित्सक नहीं है, सब रिक्त पड़े हैं, मैं वर्तमान में अकेले देख रहा हूँ। चौराही में भी जैसा आपने बताया कि चिकित्सक कम है, इसके संबंध में हम लोग शासन स्तर पर पहल करेंगे, और यदि यहाँ से हम लोग अन्य चिकित्सकों की वहाँ पर ड्यूटी लगा सकते हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाए। शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति ने हर साल की तरह इस साल भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को उनके घर जाकर कंबल दिए। स्मृति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष KP पांडे, मधुकर राव ठेंगे, रमेश चंचलेश कमलेश और SS सालोडकर ने परासिया तहसील के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर जरूरतमंदों को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित किए। अमरवाड़ा के व्यापारी दर्शन राठौरिया के साथ पिछले दिनों ट्रेन में बेहोशी की दवा देकर उन्हें लूट लिया गया था, जिसके बाद उस दवा के प्रभाव से उनकी मौत हो गई, जिसके लिए उनके परिजनों ने GRP पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि GRP पुलिस की लेट लतीफी की वजह से दर्शन राठौरिया की जान गई। गौरव तिवारी अंकित नाम का है, काय का था? GRP। हाँ, GRP का। क्या बोला था वो? बोले कहते पहले यहाँ कोशिश कर लें, तो कहते उसके बाद लेके जाओ। बोले कहाँ पर कोशिश कर लें? तो यहीं पे कौन सी जगह? GRP वहाँ इलाज हुआ उसका? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। उनकी लापरवाही, पूरी लापरवाही है ना इसमें। और यहाँ से 108 भी गई थी, वो भी कह रहे थे कि दो तीन बार यहाँ से वहाँ राउंड लगाए, लापरवाही ना इसमें, हम नहीं ले जा सकते इसको, ये वो ट्रीटमेंट पहले कार्रवाई बाद में होती है, लेके आना पड़ा यहाँ पे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए EMS TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।